हाय गाइस, माय सेल्फ आशीष कुमार, सिविल इंजीनियर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेलो सर। आज के वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ट्रेडिशनल लैंड मेजरमेंट यूनिट का, जिसमें हम चेन यूनिट देखेंगे। आप देखते हैं कि अभी भी रूरल एरिया में जो है वो आपका चेन से लैंड मेजरमेंट होता है। तो चेन में आपका दो इम्पोर्टेंट शब्द आता है, वह आपका एक जरीब और आपका लिंक यानी कड़ी। ये क्या होता है और हम इसमें देखेंगे दोनों शब्द का कि एक कड़ी बराबर आपका कितना इंच होता है और एक कड़ी बराबर कितना गज होता है, एक कड़ी बराबर कितना हाथ होता है और एक कड़ी में कितना मीटर होता है। इसके बारे में हम फुल डिटेल कन्वर्जन देखेंगे कितना कैसे आता है। और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सर को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक सिंपल कन्वर्जन पर देख लेंगे। आप देख रहे हैं कि 1 इंच बराबर आपका कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा आपका, 100 / 2.54 कीजिएगा तो कितना आएगा, 39.37 इंच आएगा। और एक गज में आपका होता है 3 फीट, यानी आपका कितना हो जाएगा, 3 × 12 ये 36 इंच हो जाएगा। 1 फीट में कितना इंच, 12 इंच। और एक हाथ जो है, एक हाथ में 18 इंच होता है। हम यहाँ पे चेन का देखेंगे अकॉर्डिंग टू गंटर चेन के अनुसार देखेंगे आपका कि 100 करी यानी 100 लिंक्स बराबर आपका 66 फीट होता है और बराबर 20 मीटर बराबर एक चेन, यानी एक चेन जो होता है वो आपका 20 मीटर के बराबर होता है, फीट में आपका 66 फीट होता है और कड़ी में आप देखिएगा तो कितना होता है, 100 कड़ी होता है। तो हम इससे यहाँ से पूरा कन्वर्जन देखेंगे। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 100 कड़ी बराबर कितना फीट है, 66 फीट है। 100 कड़ी बराबर आपका 66 फीट है, तो 1 कड़ी बराबर आपका कितना हो जाएगा, यानी 1 लिंक बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0.66 फीट। अब 1 कड़ी बराबर इतना फीट आप देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट 1 कड़ी बराबर, अब देखेंगे 1 कड़ी बराबर कितना इंच, 1 कड़ी में कितना इंच होता है। तो ये आपका 0.66 फीट है, इसे क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इंच में चेंज करने के लिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7.92 इंच। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 1 कड़ी बराबर कितना गज, तो 1 कड़ी बराबर कितना गज, तो 1 कड़ी बराबर कितना गज, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक गज में कितना इंच है, 36 इंच है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 कड़ी बराबर 7.92 आप बटे कितना आ जाएगा, 36 बराबर कितना आ जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.22। तो इतना क्या आ गया गज, यानी 1 कड़ी बराबर 0.22 गज। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे एक कड़ी बराबर कितना हाथ, 1 कड़ी बराबर कितना हाथ, तो 1 कड़ी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 7.92 और बटे 18, क्योंकि एक हाथ बराबर कितना है, 18 इंच बटे 18। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 0.44, यानी 0.44 ये इतना हाथ आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक कड़ी बराबर कितना मीटर, 1 कड़ी बराबर कितना मीटर, तो इसके लिए क्या होगा, 7.92 अब बट्टे में कितना आएगा, 1 मीटर में आपका इतना इंच है, इतना से डिवाइड कीजिएगा, 39.37। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद आपका डाटा आ जाएगा 0.2011 मीटर। तो इस टाइप से हम इसका फुल डिटेल कन्वर्जन देख रहे हैं कि 1 कड़ी में आपका कितना इंच होगा, कितना गज होगा, कितना हाथ होगा और कितना मीटर होगा।